कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बीपीसीएल बेच डाला। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल को बेचने की मंजूरी दे दी है। 20 नवंबर 2019 को हुई बैठक में बीपीसीएल के अलावा चार और कंपनियों को बेचने की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी है। ये कंपनियां हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एलआईसी बेच डाली। सरकार एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना चाहती है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एयर इंडिया बेच डाला। एयर इंडिया बिकने के लिए फिर से बाजार में आ गया है और इस बार जो शर्तें हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन बहस ये चली है कि क्या फैमिली सिल्वर को बेचा जाना चाहिए। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जा रही है, अरबों खरबों का बजट होने के बाद भी सरकार को अपनी कंपनियां क्यों बेचनी पड़ रही हैं? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी, उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए, और आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है, और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाई और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवे के एम्प्लॉई हैं आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीन कर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, पावर जनरेशन 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स फ्रॉम एनएचपीसी एनटीपीसी एनएलसी, नेशनल गैस पाइपलाइन 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन, किसको जा रहा है आप जानते हो, पेट्रोलियम पाइपलाइन
4000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड एचसीएल की पाइपलाइन। टेलीकॉम्स 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, बीएसएनएल एंड एमटीएनएल के टावर्स, वेयर हाउसिंग। किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग, 210 लाख मैट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाई और बहनों आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मैट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है, कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000 करोड़ 25 एयरपोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम, पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम, स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाई और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं इसका, नहीं वो एक लाइन थी, नेशनल लाइन, ये आपका भविष्य है, ये आपका भविष्य है, ये जो आपका भविष्य है इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा।